जबलपुर एटीएम लूट एवं गोलीकांड के आरोपी दो सगे भाई मनोज पाल और सुनील पाल को पुलिस द्वारा बनारस से गिरफ्तार कर जबलपुर लाया गया था। दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया था। न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड प्राप्त हुई है। पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड में लेकर उनसे सघन पूछताछ कर रही है। जबलपुर एटीएम लूट एवं गोलीकांड मामले में दोनों भाइयों को जबलपुर में और किन किन लोगों से मदद मिली और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इस बारे में पतासाजी की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पहले ही हथियार और कैश बॉक्स बरामद कर लिया था। आरोपियों से नगद रकम बरामद की गई थी। लूटकांड में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे को रिमांड पे लिया गया है, क्या पूछताछ हुई और अभी क्या बरामदगी उनसे होगी? विगत दिनों थाना गोरा बाजार के अंतर्गत बिलहरी क्षेत्र में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में दो आरोपियों के द्वारा जो लूट एवं हत्या की घटना घटित की गई थी, इसमें कल उन दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी पश्चात माननीय न्यायालय में उन्हें पेश किया गया था, जहां से एक सप्ताह का पुलिस रिमांड हमें प्राप्त हुआ है पूछताछ के लिए और आगे बरामदगी के लिए। हमने इस दौरान आरोपियों की निशानदेही पर दो देसी पिस्टल और 9 उसके कारतूस जब्त किए हैं। इसके साथ ही साथ जो कैश बॉक्स लुटेरे लूट कर ले गए थे कैश बॉक्स में रकम के, तो उसका खाली कैश बॉक्स भी एक बिलहरी क्षेत्र में ही एक प्लॉटिंग है, खाली प्लॉटिंग, वहाँ से जब्त किया गया है और आगे दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।